फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विदाउट स्ट्रेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे बुक के बारे में जानेंगे जो कि नीट एस्पिरेंट के लिए बाइबल से कम नहीं है। इसके प्राइस के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या खूबियां हैं उसके बारे में जानेंगे, इसे क्या कुछ डिमेरिट्स भी हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, लेट स्टार्ट दिस वीडियो। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट कवर पेज है, आप लोग देख सकते होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स। इसके बाद जब हम लोग बुक को खोलते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप दिए हैं, मतलब यहाँ पर एक क्यूआर कोड मिलता है जिसको आप स्कैन कीजिएगा तो बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन मिलते हैं हमको। तो वहीं पर स्टेप दिया है कैसे हमको स्कैन करना है, कैसे इनके वेबसाइट पर हमको जाना है। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट बुक क्लास 12th लिखा है। फिर यहाँ पर हम लोग को एनसीईआरटी का नेशनल लोगो मिल जाता है, आप लोग देख सकते होंगे इस लोगो को। इसके बाद हम लोग जब बुक को पलटते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को पब्लिकेशन के बारे में मिलता है कि कितने बार एनसीईआरटी को पब्लिश कर दिया गया है। तो यहाँ पर लेटेस्ट एडिशन जो मुझे अभी मिला, मतलब जब मैं मार्केट गया तो यहाँ पर जनवरी 2019 का था। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस 195 रुपीज़ है। आपको कहीं भी लोकल मार्केट में जाएगा या ऑनलाइन में परचेज कीजिएगा तो आपको इतना ही में पड़ेगा। फिर यहाँ पर हमारे कुछ फॉरहेड वगैरह दिया है, फॉरवर्ड दिया है कि क्या क्या है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। जनरली सारे लोग इसको नहीं पढ़ते हैं तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। फिर यहाँ पर प्रीफेस दिया है, तो ये सब भी चीज़ों को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जनरली लोग इसको स्किप करते हैं। गाइस, ये जो पेज है वो एनसीईआरटी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती हैं कि आप इसको पढ़ने पे मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग कि कितने सारे बड़े बड़े हस्तियाँ मिलकर एक पतली सी एनसीईआरटी बुक को लिखती हैं। आप जनरली कोई भी प्राइवेट बुक को पढ़ते हैं तो उसमें 2-3-4 मैक्सिमम राइटर होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी को कितने लोगों ने मिलकर लिखा हुआ है, और सारे लोग अपने में ही एक महान हस्तियाँ हैं। तो इनके जो थॉट्स होंगे और वो 3 लोगों के थॉट्स होंगे मैक्सिमम जो भी बुक आप पढ़ते हैं, तो उनसे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे होंगे। क्योंकि इतने ज़्यादा राइटर जहाँ मिलकर लिख रहे हैं वहीं पर 3 लोग, तो समझ सकते हैं आप लोग, मुझे इसमें और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए एनसीईआरटी को हम लोग कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने से पहले हमको, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं और बहुत सारे थिंकिंग के बाद, बहुत सारे कन्वर्सेशन के बाद इस बुक को लिखा जाता है। तो इसीलिए इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है हमारे इंडियन एजुकेशन में। इसके बाद दोस्तों हम लोग कॉन्टेंट मिल जाते हैं इस बुक में, मतलब चैप्टर वाइज, जैसे कि यहाँ पर यूनिट 6 है क्योंकि क्लास 11th का ये कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पर 6 में हम लोग को रिप्रोडक्शन, फिर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, फिर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर मिल जाता है। फिर यहाँ पर एक बायोटेक्नोलॉजी करके यूनिट आता है। फिर हमारे पास इकोलॉजी है। तो जैसे ही हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग का यूनिट का इंट्रोडक्शन वगैरह देखने को मिल जाता है। सारे यूनिट्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमको एक राइटर जो कॉमन होते हैं इन सारे चैप्टर में, उनका नाम, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल दिया रहता है। फिर चैप्टर हम लोग जैसे शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड मिलता है जिससे हमको बहुत सारे वीडियो और उसके सॉल्यूशन वगैरह सारे चीज़ों को मिल जाता है। इसके बाद बहुत सारे इंटेक्स क्वेश्चन भी होते हैं, और इंटेक्स क्वेश्चन के साथ साथ हमको यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे 3D पिक भी देखने को मिल जाती हैं, और बहुत ही कॉन्साइज थ्योरी रहता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, उससे पहले समरी भी मिल जाती है हम लोगों को, जिससे कि हम लोग चैप्टर लास्ट में जाकर और अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। और साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलते हैं, फिर बहुत सारे, बहुत ही मतलब क्वेश्चन अच्छे अच्छे रहते हैं यहाँ पर, जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग को यूआर कोड भी मिल जाता है, जो भी इसका सॉल्यूशन वगैरह है वो भी हम लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही सारे चैप्टर में ऑलमोस्ट रहता है ये सारे चीज़, आप लोग देख सकते होंगे जैसा कि। और लास्ट में हम लोग को फिर वही बताया जाता है कि एजुकेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर कुछ हम लोग को पोस्टर वगैरह दिखाया जाता है एजुकेशन, मतलब एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन से लेकर। और लास्ट में हम लोग को ये ऐसा पेज देखने को मिलता है, और लास्ट में एनसीईआरटी का लोगो देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप इस PDF को देखना चाहते हैं एनसीईआरटी के तो वो भी आपको मैं वहाँ पर डाल दूंगा, और बहुत सारे स्टडी मटेरियल वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।